आय हाय, तो मुझसे अब ये दुख इनका देखा नहीं जाता। कुछ मोदी विरोधी पत्रकार अपनी पत्रकारिता में इतने लीन हो चुके थे कि मोदी विरोध करने से वो बाज नहीं आ रहे थे। लोकसभा चुनावों में उन्होंने एक अलग ही ट्रेन चलाई। अभी जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी उन्होंने वही ट्रेन चलाई, पर वो ट्रेन अभी तक का अपने रास्ते पर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाई। कुल मिलाकर साफ सीधे शब्दों में बताऊं तो लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने पूरा कहा बीजेपी हारेगी, बीजेपी हारेगी, बीजेपी हारेगी, लिख करके ले लो, गारंटेड ले लो, हरी बीजेपी नहीं। विधानसभा चुनाव में इन्होंने कहा लिख करके ले लो, बीजेपी हारेगी, बीजेपी हारेगी, बीजेपी हारेगी, हरी बीजेपी नहीं। इनका पूरा यही क्रिटेरिया रहता था कि बीजेपी को हराना है, खासकर सोशल मीडिया पर तो ऐसा ही माहौल बनाना है कि लोगों को लगे कि बीजेपी हार रही है। तो हार ही रही है तो बीजेपी को वोट क्या ही दे हम, इस प्रकार पूरा इनका माहौल रहा। खैर, इन सब से आगे बढ़ करके इस वक्त हम बात करेंगे पत्रकार अजीत अंजुम जी के बारे में। तो पत्रकार अजीत अंजुम ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करा। सबसे पहले तो मैं आपको इनका पोस्ट दिखाता हूँ। ये लिखते हैं, हिमालय जाने की सोच रहा हूँ, यहाँ कुछ बचा नहीं है। अब ये हाथ से इशारा करते हैं, फोटो भी डालते हैं जिसमें हिमालय की तरफ ही इशारा करते हैं और इस प्रकार लिखते हैं कि हिमालय जाने की सोच रहा हूँ, यहाँ कुछ बचा नहीं है अब। दरअसल लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने जिस प्रकार की अपनी पत्रकारिता करी और विधानसभा चुनाव में भी जिस प्रकार इन्होंने पत्रकारिता करी, तो सही में ये हिमालय जाना चाह रहे हैं। उस सबको देख करके तो जा सकते हैं भाई, बहुत अच्छी बात होगी भाई। एक तो हिमालय घूमने की भी काफ़ी अच्छी जगह है, शांति मिलेगी वहाँ पर पहुँच करके। तो पत्रकार अजीत अंजुम ने जो ऐसा लिखा है, इस पर पब्लिक ने जो करारा जवाब दिया वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अजीत अंजुम के हिमालय जाने की बात पर एक यूजर लिखते हैं, आप हिमालय पर जाएंगे तो विपक्ष का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, विपक्ष की आवाज कौन उठाएगा। एक यूजर लिखते हैं, यथा शीघ्र पतन कर जाओ, बाद में क्या पता मौका नहीं मिले। एक यूजर लिखते हैं, कांग्रेस की हार से कितना दुखी है ये आदमी, हिमालय जाने बोल रहा है। एक हार ने कितने लोगों को गम के सागर में डुबो दिया, अगर गलती से कांग्रेस जीत जाती तो ये आदमी हवा में उड़ रहा होता, 6 महीने तो जमीन पर चलता ही नहीं ये। एक यूजर लिखते हैं, आप सब लोगों के विश्लेषण से हम भी बहुत दुखी हैं, जो आप अब रीजन बता रहे हैं हार जीत का, वो पहले क्यों नहीं बताया। एक यूजर लिखते हैं, ठीक है सर, चुनाव के बाद आना, वहां से वीडियो बनाओ, चुनाव का नहीं बर्दाश्त हो रहा है अब, प्लीज गो, वी नीड समथिंग न्यू। एक यूजर लिखते हैं, कोई बात नहीं अजीत अंजुम भाई, ऐसे निराश हो जाओगे तो योगी जी को प्रधानमंत्री बनते कैसे देखोगे। एक यूजर लिखते हैं, जलेबी की फैक्ट्री ना लगा सको, कम से कम दुकान ही लगा लो। पब्लिक ने जवाब में अजीत अंजुम जी को कुछ इस प्रकार लिखा जैसे कि मैंने आपको बताया था। हालांकि अगर किसी से गलती होती है और वो माफ़ी मांग लेता है ना, तो बहुत बड़ा हो जाता है वो नज़रों में। हालांकि मैं अजीत अंजुम जी की इस बात पर तारीफ करूंगा कि अजीत अंजुम जी ने जो आकलन दिया था ना विधानसभा चुनाव में, वो उनका गलत गया और उन्होंने सोशल मीडिया पर माफ़ी भी मांगी कि मेरे से कोई चूक हुई है, जो भी हुआ है, जिस कारण मैं सही से नहीं बता पाया कि आखिर कौन जीतेगा। दरअसल इन्होंने बताया था कि कांग्रेस हरियाणा में जीतेगी, कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाई, तो इन्होंने माफ़ी मांगी थी। हालांकि बहुत बड़ी बात होती है भाई गलती के बाद माफ़ी मांगना, और अजीत अंजुम जी को इस बात के लिए मैं तारीफ भी करना चाहूँगा उनकी पर। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब पहले से ही ऐसा चल रहा था, अब लास्ट में माफ़ी मांगने के बाद क्या जनता उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, जनता पसंद करती है कि हालांकि इन्होंने माफ़ी मांग ली, अच्छी बात है, पर जनता उस चीज़ को क्या एक्सेप्ट कर ही लेती है कि इन्होंने तो माफ़ी मांग ली, इनको अब ऐसा नहीं सोचेंगे इनके बारे में, तो अच्छे इंसान हैं, इन्होंने माफ़ी मांग ली। क्या जनता इस प्रकार सोच लेती है जब आप जनता से माफ़ी मांग लेते हो, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।